दोस्तों, अगर आप भी लगाते हैं बैम्बू का पौधा तो ये खबर जानकर आपको झटका लग सकता है। बैम्बू को ऐसी गलत दिशा में गलती से भी मत रखना, नहीं तो इसका परिणाम बुरा हो सकता है और साथ ही आपके जानवर को भी नुकसान हो सकता है। जानिए बैम्बू से जुड़ी 5 बातें। दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि हर पौधे की दिशा अलग अलग होती है। पौधे की दिशा और पौधे का पूरा ज्ञान अगर किसी को ना हो तो परिणाम बुरे भी हो सकते हैं। आपको बता दें, पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर बैम्बू का पौधा क्या होता है। दोस्तों, फेंगशुई के अनुसार घर में बैम्बू यानी बांस का पौधा रखने से सुख समृद्धि और घर में ढेर सारी खुशियां आती हैं। इसके बारे में मान्यता है कि जिस घर में ये पौधा होता है तो उस घर के लोगों को सेहत से जुड़ी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। फेंगशुई की माने तो इसके बारे में कहा जाता है कि बैम्बू का पौधा जहां होता है तो वो व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बैम्बू का पौधा अंदर से खोखला होता है जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार बहुत अच्छे से होता है। ऐसे में पौधा अपने साथ ढेर सारी ऊर्जा लाता है और पूरे घर से नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है। बैम्बू के बारे में ये भी मान्यता है कि इसमें जिंदगी से जुड़े 5 तत्व होते हैं। पौधा खोखला होता है और इसे पानी में रखा जाता है। इस पर लाल रंग का रिबन बंधा होता है जो आग दर्शाता है। ऐसे में पौधे को जिस बर्तन में रखा जाता है तो उसमें कुछ पत्थर भी रखे जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस पौधे को घर में लाने पर जिस व्यक्ति को इसका अगर अधूरा ज्ञान है तो आपके घर में नकारात्मकता आ सकती है। इसीलिए पौधे की सही दिशा और पूरा ज्ञान आपको होना ही चाहिए। तो चलिए इसकी दिशा और इसके चमत्कारी 5 लाभ भी जान लेते हैं। दोस्तों, नंबर 1, अगर आपके घर में कोई पालतू जानवर है तो आपको थोड़ा चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि इस पौधे में ड्रासेनिया संगडीरिया नामक की एक लकड़ी होती है जो कि देखने में बांस की तरह ही लगती है और ये काफी जहरीली होती है। इसीलिए इस पौधे को अपने जानवर की पहुंच से दूर रखें। दोस्तों, नंबर 2, हमेशा बैम्बू प्लांट को पानी में ही रखें और पानी को हमेशा बदलते रहें। ताजा पानी पौधे को हरा भरा बनाता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बड़ी तेजी से करता है जिससे दौलत का आगमन होता है। दोस्तों, नंबर 3, अगर आपका पौधा 1 फीट से ज्यादा है तो डायरेक्ट सूरज की रोशनी की जरूरत इसको पड़ेगी, यानी कि 30-45 मिनट तक रोजाना धूप की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों, नंबर 4, हर एक महीने में पौधे को खाद दें जिससे बैक्टीरिया के बढ़ने के चांस कम हो जाएं। इसके अलावा हफ्ते में 2 बार एक्वेरियम प्लांट फूड भी डालें। दोस्तों, नंबर 5, अगर बैम्बू प्लांट की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं तो ऐसा या तो नमकीन पानी की वजह से होता है या फिर ज्यादा सूरज की रोशनी पड़ने पर। इसीलिए पेड़ को कभी भी तेज सूरज की रोशनी के पास में ना रखें। दोस्तों, नंबर 6, जरूरत पड़ने पर डंठल को काटें। डंठल को हमेशा आप ज्वाइंट से काटें और काटने के लिए सांप चाकू का ही प्रयोग करें। जब डंठल को काट लें तब उस पर सांप पानी के छींटे मारें जिसमें उसमें ताजी कलियां निकल जाएं। दोस्तों, अब जानते हैं पौधे की सही दिशा क्या होनी चाहिए जिससे दौलत का आगमन बड़ी तेजी से हो। दोस्तों, इस पौधे को आप पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा और घर के बीचों बीच में रखें, लेकिन किसी और दिशा में कभी ना रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो पौधा गलत परिणाम दे सकता है जिससे आपके बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। लेकिन पौधे के हरे भरे होने पर यह दर्शाता है कि अब आपके घर में दौलत का आगमन कभी भी हो सकता है या शुरू हो चुका है। दोस्तों, जानकारी पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है और हाँ, सब्सक्राइब करें।